राजधानी जयपुर सहित प्रदेश भर में गुरुवार से 45 से 59 साल तक की उम्र वालों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। राजधानी के सभी सरकारी अस्पतालों सीएससी पीएससी में कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। जयपुर ज़िले में 300 वैक्सीनेशन सेंटर हैं, जिनमें से जयपुर शहर में 180 हैं। शहर के ज़्यादातर अस्पतालों में वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। जोधपुर में सर्वर की दिक्कत के कारण टीका लगवाने वालों को कुछ परेशान होना पड़ रहा है। सरकारी अस्पतालों में कोरोना का टीका मुफ्त में लग रहा है, जबकि निजी अस्पतालों में 250 रुपये का चार्ज लगेगा। राजधानी के वैक्सीनेशन सेंटर पर सुबह से ही लोगों का पहुंचना शुरू हो गया। सुबह 9 बजे से रजिस्ट्रेशन के बाद अस्पतालों में टीका लगना शुरू हुआ और धीरे धीरे लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। वैक्सीनेशन से पहले कोविन सॉफ्टवेयर पर रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। आधार कार्ड जरूर साथ लेकर जाएँ। कोई गंभीर बीमारी है तो उसका भी दस्तावेज लेकर जाएँ और अपने डॉक्टर से एक सर्टिफिकेट भी लेकर जाएं, ताकि वैक्सीनेशन में परेशानी नहीं हो। वैक्सीनेशन सेंटर पर फॉर्म मिलेगा, उसमें नाम, उम्र, बीमारी सहित अन्य जानकारियां देनी होंगी। डोज लगने के बाद आधे घंटे रोका जाएगा, ताकि चक्कर, सिरदर्द या अन्य परेशानी होती है तो उसे तुरंत डॉक्टर को दिखा सकें।